हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 28। ये चैप्टर 28 जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो प्लस वन हो, प्लस टू हो, दसवीं क्लास हो, जिनके जो सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। साथ में ये जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, अगर उन्होंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है और उनका जो है सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसमें हम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसमें जो है चैप्टर में हम कई मायने में कई तरह की बातें पढ़ेंगे, हर तरह के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, पीईएम के बारे में पढ़ेंगे, और न जाने कितने प्रकार के जो है डिसीज होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की वजह से होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें और क्या है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मायने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो एट्थ क्लास हो, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is minerals. The minerals is the most important in our body. There is the minerals are macronutrient. There is a very macronutrient required to various among from a proper functionings of normal growth and keeping of good health of our body. And there are inorganic element occurring in form of there are salt, calcium, potassium, sodium, phosphorus, iron, etc. That is the most important here. The calcium, potassium, sodium and phosphorus, iron, etc. They do not supply energy to our body, but stimulate their protection against disease and also have a role in the body function. That is the most important in minerals in our body. So here show the table. There are minerals required in the large amount and requires a trace amount. That is the most important here. They require the large amount here, the calcium, phosphorus, sodium, potassium and sulfur, chlorides and magnesium. And they require is a trace amount here, iron, iodine, zinc, chromiums and cobalt, copper, fluorides, manganese and the valuriums and zirconium and bronze. There is the most important here. The next here is a function. The function is a mineral is performed to following functions. Initially, there is the development of the bone and teeth is a calcium and phosphorus. And they regulate the fluid balance and acid alkalinity of the body fluid is sodium, potassium and chloride. The iron is a major component of the hemoglobin which helps to transport and release of oxygen. And the iodine is required for the synthesis of thyroid hormone is the thyroins which regulate the rate of oxidation energy source within the cell. There is the most important function here. And zinc, copper, magnesium regulate a host of vital reaction in our body. So here is a mineral required for our body. There is a source and function here. There is the most important the minerals, function, food source and deficiency, disease and symptom. The calcium is a formation of bone and the teeth necessary for the knob teeth and the muscles. There is a function and the food source here is a milk and milk product, fish, meat, beans, green leafy vegetables, broccolis, tubercles and cereals. There is the most important food source here and deficiency is here, rictus, stomach, calcium, loss of teeth. There is a deficiency of calcium and the symptom is a softening of the bone. There is a most important symptom here and definitely of pain in the bone. The regularity of pain is the enemy and enemy is the next. The next here is iron.
द आयरन इज अ फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एक्ट अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन देयर इज प्रेजेंट हियर द सोर्स इज अ लीवर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एग स्पेनिच ग्राउंड नट कैरेट्स एंड जगरी देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बट डिसीज इज हैज एनीमिया एनीमिया इज अ मेजर डिसीज फॉर द आयरन एंड हियर लॉस ऑफ वेट एंड द अपीयरेंस ऑफ टायर्डनेस एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर एंड द नेक्स्ट इज द फास्फोरस The phosphorus here, a formation on bones on the teeth. There is here, but there is a found in the source of mirror, cereals, green leaves, vegetable, nut, bajra, and the meat. There is a most important phosphorus source, and that disease is causing here rictus and osteomalacia. There is a most important disease for the causing for the is a less on the phosphorus. And there is also here, there is softening of the bone and bone legs, prison of the chest. There is a rictus and disease here. The next is the iodine. Iodine is the most important for here. There is a metabolic control of hormone, thiamines control growth and mental ability. There is the most important here. Iodine here is a control for the mental ability and the control of the growth. There is a metabolic control of hormone, thyroxine. There is the source of iodine salt and seafood, fish, green leaf vegetable. There is a source. Iodine is the most important here. You take the daily to daily life, there is iodine in the salt form, and there is a disease of the Guthrie's. The Guthrie is a disease of here. There is an enlargement of the thyroid gland. There is a Guthrie's here, enlargement of thyroid gland, and the deterioration of the physical and mental growth here. And the next here is sodium and potassium. The sodium and potassium here is the maintenance of the normal water balance in the body. That is the most important and association with their conduction of the nerve impulse. The resource of here is a common salt and meat, potatoes and fish, fruits, kernels, eggs, spinach, pulses, potatoes, and yogurt heart. There is the most important source here, so in there. There is high blood pressure. There is a sodium and potassium not taken again. There is a high blood pressure, edema, osteomatics, pressure or disturbance. There is the sodium and calcium diseases. And there also is a source of malnutrition. There is a malnutrition in children, the high blood pressure in a big person, and fatigue of the loss of of the mobility. There is a main symptom here. The here the show the deficiency of the salt that attain on the Guthrie's. The Guthrie's disease in the show in this diagram as a is important for the sodium iron salt. दोस्तों यहाँ पर जो है हम बात करने जा रहे हैं खनिज. देखिए खनिज जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए जो है आपको भी इस जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है बहुत सी बीमारी से आप बच भी सकते हो. तो खनिज के विषय में अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही सूक्ष्म पोषक होता है, यानी इसको हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद है, जिसके हमारे शरीर की वृद्धि के लिए व स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग मात्राओं में आवश्यकता होती है. ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि लवण के रूप में पाए जाते हैं. दोस्तों ये कार्बनिक पदार्थ होता है यानी अकार्बनिक पदार्थ, यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये होता है और कहते हैं ये लवण के रूप में पाया जाता है. जैसे कि आपको पता ही है कि कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस और लौह तत्व जो होती है इसके मेन अवयव होते हैं, यानी कॉम्पोनेंट होते हैं कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस और लौह तत्व जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं जो खनिज में पाए जाते हैं. कहते हैं ये हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं. शारीरिक क्रियाओं में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए खनिज को लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. देखिए दोस्तों खनिज से आपको एनर्जी तो नहीं मिलेगी लेकिन ये जो है कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में आपके हेल्प करेगा बॉडी को, इसलिए खनिज को जो है उचित मात्रा में प्रतिदिन लेना प्रत्येक नागरिकों को प्रत्येक व्यक्तियों को अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है. अगर यहाँ पर बात देखा जाए तो खनिज के बारे में, तो खनिज जो होती है बड़े मात्रा में जब आवश्यकता होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की, सोडियम की, पोटाशियम की और सल्फर
एनक्लोराइड मैग्नीशियम की। ये हमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए लोहा, आयोडीन, जस्ता, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर फ्लोराइड, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, देखिए ये जो होती है हमें जो है लेस अमाउंट में आवश्यकता होती है, नहीं इसको सूक्ष्म अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनिज। तो इसके विषय में जो है आगे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन यानी प्रकार्य क्या है। अगर हम कार्य के विषय में अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि इसका जो है कई इंपॉर्टेंट कार्य भी होता है, ठीक है। अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए अनिवार्य उदाहरण है कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा की आवश्यकता चाहिए जो खनिज से ही में प्राप्त होती है। अगर तरल संतुलन नियमन शरीर के तरलों के अम्लता और क्षारता का जो है नियमन जैसे सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं लोह हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन एवं मुक्त होने में सहायक सिद्ध होता है। यानी लोह जो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, आपको पता ही है कि जो हमारा रक्त होता है रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें लोह तत्व पाया जाता है। तभी आप देखते हो कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको डिस्पेंसरी में जो है आयरन की गोलियां दी जाती है, या जिनको ब्लड कम होता है इनको आयरन की गोलियां दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए सोडियम की आवश्यकता, तो ये सोडियम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोडियम की वजह से क्या होता है थायराइड एवं थायरॉक्सिन संश्लेषण जो है पड़ती है, जो कि कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन दर को नियमित करती है। अगर मान लीजिए आयोडीन नहीं लेते हो तो इसमें थायराइड जो है थायरॉक्सिन संश्लेषण नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो है किसी के भी गले जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, जिसको गॉटरी नाम की बीमारी से ग्रसित होता हुआ आप देख सकते हो। उसके पश्चात है जस्त, तांबा और मैग्नीशियम हमारे शरीर के मुख्य क्रियाओं का नियमन करते हैं। कहते हैं दोस्तों जस्ता और तांबा और मैग्नीशियम जो होती है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और ये जो होता है हमें शरीर जो है बीमारियों से लड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे जो दोस्तों हमारा एक टेबल है जिसमें है शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व और स्रोत और कार्य। देखिए यहाँ पर टेबल से आप जो हो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि कौन तत्व का क्या हमारे शरीर में कार्य है, और इनका क्या अभाव से कौन सी बीमारी होगी, और इस बीमारी का लक्षण क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है हड्डियों तथा दांतों का बना, ठीक है, संत्रिका और दांतों के पेशियों के लिए आवश्यक होता है। ये कार्य के रूप में होता है, और इससे जो है आहार किस किस रूप में लिया जा सकता है, तो दूध तथा दूध के उत्पाद, मछली, मांस, सेम, हरी सब्जियां, ब्रोकली, टेपियोको, अनाज, इस सारे में जो है ये जो है कैल्शियम उचित मात्रा में विद्यमान होता है। अगर देखा जाए अगला अभाव रोग, तो इसके साथ आपको पता है कि रिक्टेस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इसमें जो है रोग लक्षण हड्डियों का नरम पड़ जाना और विकृतियां हड्डियों के दांत और दांतों के जो है इनमेल की हानियां, तो ये जो इनेमल होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, इसे ब्लड दांतों में आने लग जाता है। और सबसे बड़ा बीमारी जो कैल्शियम के न होने की वजह से होता है वो तो आपको पता ही है कि उसमें जो है हड्डियों का नरम पड़ जाना, तो इसकी वजह से जो है हड्डियाँ बार बार फ्रैक्चर होती रहती है, यानी टूटती रहती है, तो ज्वाइंट होना भी उसके लिए संभव नहीं रहता है। अगर अगला देखा जाए लोह तत्व, तो लोह तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ जो कि हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है, तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन का बनना ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी आयरन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके जो ब्लड होते हैं वो हीमोग्लोबिन से ही बने होते हैं, और इसका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट की वजह से, और ये आयरन के फॉर्म में होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहता है। अगर आहार स्रोत के रूप में देखें तो ये आपको जो है यकृत यानी लीवर से, हरी पत्तेदार सब्जियाँ से, अंडा, पालक, मूँगफली, अनाज और गुड़ से अधिक मात्रा में जो है आपको आयरन मिल सकता है। तभी देखते हैं ना गुड़ खाने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि गुड़ जो होती है डायरेक्ट बनती है और इसमें प्रचुर मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है, जिससे कि ब्लड बनता काफ़ी है। देखिए डॉक्टर काफ़ी सलाह देते हैं जिनके ब्लड कम होते हैं बॉडी में, तो वो अगर गुड़ खाते हैं तो उनमें कई मात्रा में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर देखा जाए इसका रोग, तो इसमें जो है रक्तता यानी एनीमिया नाम की बीमारी, एनीमिया का मतलब ये होता है शरीर में ब्लड की मात्रा कम होना, ठीक है। और इसके रोग के लक्षण जो होंगे वजन घट जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, और हल्की थका जाना और भूख न लगना इसके मुख्य जो है लक्षण देखने को आपको मिल जाएगा।
अगर देखा जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के तत्व में से आता है। इसे जो है हड्डी और दांतों को बनाया जाता है, तो फास्फोरस के ही रहता है इनका योगदान। कहते हैं अगर ये फास्फोरस जो है आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है, जैसे दूध, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गिरीदार फल, बाजरा और मांस, इसमें जो है फास्फोरस उचित मात्रा में विद्यमान होती है। अगर देखा जाए अगर आप फास्फोरस नहीं लेते हो तो इसके जिससे जो है बीमारी होगा वो रिक्टस हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। तो ये दोनों बीमारी जो होगा काफ़ी आपको परेशान कर सकता है। और इस बीमारियाँ में क्या होती है, हड्डियों का नरम पड़ जाना इसका सबसे पहला लक्षण दिखेगा, टांगों में मुराब आ जाना और कबूतर की तरह बक्श सीना हो जाता है। तो ये एक बीमारी के पहले ही हमने देख लिया है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ अगला जो है हमारा आयोडीन है। आयोडीन तो आपको पता है कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं चाहे बच्चे होते हैं उनको आयोडीन की मात्रा देने की सलाह दी जाती है। देखा जाए थायरॉक्सिन हार्मोन का अपचय नियंत्रण वृद्धि तथा मानसिक क्षमता का नियंत्रण भी करता है। आयोडीन युक्त नमक समुद्री आहार, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां में उचित मात्रा में ये विद्यमान होती है। अगर देखा जाए गलगंड यानी घेंघा के बीमारी में भी ये जो है यूज़ किया जाता है। आयोडीन के वजह से मेन बीमारी जो होती है घेंघा हो जाती है, जो गले में सूजन आ जाती है, और दूसरा जो होता है बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत से बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो इसका कारण भी यही होता है कि उनके जो होती है आयोडीन की नमक जो है उसके मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाया था, या उसके आहार में जो है आयोडीन जो है सम्मिलित नहीं किया था। कहते हैं अगर देखा जाए इसके लक्षण, तो अवयव थायराइड ग्रंथि का फूल जाना और शरीर तथा मानसिक वृद्धि में हर्ष हो जाता है, यानी इसके जो वृद्धि है काम करना थोड़ा कम करेगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें गलगंड रोग से पीड़ित रोगी को दिखाया गया है। इसमें जनरली अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसके गला में जो है सूजन हो चुकी है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है पहले सुंदरता की वजह से आयोडीन नहीं लेते थे, अब जो है इनको कुरूप बन गए हैं तो इनको आयोडीन लेने की आवश्यकता बन गई है। तभी कहते हैं ना कि हर तत्व जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसमें सोचने वाली विचार नहीं होती है दोस्तों। आपको हर एक चीज़ को जो है उचित मात्रा में खाने की आवश्यकता है और आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अगला जो है दोस्तों हमारा सोडियम एवं पोटाशियम। देखिए सोडियम और पोटाशियम का भी हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं शरीर में पानी की मात्रा असामान्य मात्रा का रखरखाव करना और तंत्रिका आवेग को संचरण में सहायक होता है, यानी नर्व सिस्टम को चलाने के लिए सोडियम और पोटाशियम जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव के रूप में रखा जाता है। कहते हैं इसका अगर देखा जाए तो ये कहीं भी प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से, जैसे सामान्य नमक, मांस, मुर्गी, मछली, फल, अनाज, अंडे, पालक, दालें, आलू, दही, ये तो आप दिन प्रतिदिन यूज़ भी करते हो और नकारते भी हो भोजन को, तो इसमें जो है आपको सोडियम और पोटाशियम उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। अगर देखा जाए इसके तो इसके बीमारी जो होंगे उच्च रक्तदाब हो जाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, प्रसरण दबाव में गड़बड़ी आ जाएगी, तो इस तरह से जो है आपको बीमारी हो सकता है। और इस गंभीर बीमारियों के लक्षण जो होगा गंभीर कुपोषण होगा, यानी जो है माल न्यूट्रिशन का जो है शिकार हो जाएगा, उच्च रक्तदाब हो जाएगा, थकावट हो रहेगी और भूख न लगना, उल्टी हमेशा होने के चांसेस बने रहना, तो ये जो है सोडियम और पोटाशियम की कमी की वजह से ऐसी बीमारी जो है उत्पन्न हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। तो वाटर मीन सेव द वाटर, वाटर इज अ लाइफ। तो वाटर इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द डाइट। देयर इज 75% ऑफ इन्फेंट बॉडी एंड 60% ऑफ द अडल्ट बॉडी इज नॉटिंग नथिंग अबाउट बट वाटर। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर, द 60% ऑफ अडल्ट बॉडी इज नथिंग बट वाटर एंड द वेरियस फंक्शन ऑफ वाटर इज अ फ्लोइंग। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एयर नेचुरली फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एयर द ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड एक्सक्रीट टू द बेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। देयर इज इंपॉर्टेंट फंक्शन एयर and maintain the body temperature for the water. The water is a maintainer of body temperature and the act as a solvent various reaction in our body. There is a water is the most important function here. The air is a source of water. The water is replenished by there is a drinking of plain water or the tea, coffee, milk and the fruit juice. The eating fruit, a vegetable and fish and some amount of water come in by product of oxidation of glucose in body. That is the source of important air.
यहाँ पर जो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा है जल। देखिए जल को कहते हैं जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना जो है इंसान अधूरा है, क्योंकि आपको पता है जल हमारे हाड़ का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शिशु के शरीर का जो है 75% भाग और व्यास के जो है 60% भाग जल से ही निर्मित होते हैं। अगर देखा जाए तो शिशु के शरीर जो होता है 75% होता है बना हुआ, और व्यास के जो शरीर होता है 60% भाग जो है जल से ही निर्मित होती है। यह जल के जो है विभिन्न कार्य होते हैं जो आपके समक्ष है। खाद्य पदार्थ के परिवहन एवं पाचन के लिए जल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन यानी मल मूत्र त्यागने के लिए जो है अवशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर करने के लिए जो है जल अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। शारीरिक तापमान बनाने निमित्त करने के लिए जल का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है, और विभिन्न जो है शारीरिक क्रियाओं में विलायक के रूप में ये कार्य करता है। तो जल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, ये कई कार्यों में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे खाद्य पदार्थों के परिवहन हो, चाहे अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन हो, चाहे तापमान के शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी हो, या शारीरिक क्रियाकलाप विलायक के रूप में हो, इसमें जल जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप देखा जाए जल के स्रोत, तो देखिए जल का स्रोत जो है होता है सामान्य पानी या चाय, कॉफ़ी, दूध या फलों से, रसों द्वारा भी आपको जल प्राप्त हो जाएगी, फल, सब्जियां, मछलियां आदि द्वारा भी जल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। शरीर में सुक्रोज को जो एक्सक्रमण के उत्पाद यानी उपरस उत्पाद के रूप में कुल जल बाहर निकालना होता है, तो इसके थ्रू भी आपको जल प्राप्त हो सकता है। आगे है हमारा रफेज यानी रुक्षांश, तो देखते हैं क्या है ये। Here the roughest, the roughest is there fiber present in the some food item like a fruit, vegetables. Through the roughest is not a food. The roughest is not a food. It's a form an important part of a diet. The roughest consists of mainly of cellulose. The roughest is mainly of cellulose. The roughest is not about things of food. There is not about it giving the lot of the energy. There is only for the our diet of part. There is the most important here, the function here. The it is a help to the ball to the movement. There is the roughest is the most important is a level of movement, and it is a clean over digestive tract and protect the body from a digestive element. There is the most important here of roughest. The roughest is a function help to the ball of movement. There is the most important function here. It is a clean over digestive tract and protect the body from a digestive element. There is the most important here is a roughest. It is a prevent of the constipations in the daily to daily life. There is the most important roughest is a role here is the prevent of the constipations and constipations here. It is a help to the returning water in a body. There is the most important function. There is a help to returning water in our body, and it's a help to the maintenance optimum level of blood sugar and cholesterol. There is the most important factor here. There is the level of blood sugar and cholesterol maintain of the roughest. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है रुक्षांश, देखिए रुक्षांश के विषय में बात करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुक्षांश की वजह से जो है आप कई तरह के बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो, अभी बहुत ही आसान तरीके से। सोच रहे हो कि रुक्षांश होती क्या है, तो रफेस के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का मतलब होता है, देखिए दोस्तों ये कोई फूड नहीं होता है, और रुक्षांश जो होता है हमारे बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं रुक्षांश कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फलों वनस्पतियों में विद्यमान रेशेदार भाग को कहते हैं। मान लीजिए अगर आप सेब खाते हो तो आप सोचते हो कि सेब में रफेस क्या होगा, दोस्तों रफेज वही होगा जिसको आप छील के बाहर फेंक देते हो, यानी उनका छिलका। देखिए छिलका जो होती है वो रफेज के रूप में होती है, रुक्षांश के रूप में होती है, लेकिन आप लोग जो क्या करते हो छिलके तो ऊपर से निकाल के फेंक देते हो, लेकिन वही रफेज जो होता है आपके बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कनक पिसवाने जाते हो, गेहूँ पिसवाने जाते हो, तो उसमें से क्या करते हो, उसमें से जो उसके भूसे होते हैं उसको निकलवा देते हो। आपको शायद नॉलेज नहीं है कि उस भूसे में जो है कई इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिसको रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ये रुक्षांश जो होती है आपको पेट साफ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए आज के समय जो है लोग बड़े बड़े सोच विचार वाले हैं, आज छिला हुआ छिलका ही चाहिए, तो जितने भी साग सब्जियां होते हैं उनके छिलके तक उतार दिया जाता है। तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी में
उचित मात्रा में नुकसान प्राप्त नहीं होता है और हम कब्ज के शिकायत से ग्रसित होते हैं और आए दिन जो है हमें डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो है आपको एक चूर्ण का डब्बा पकड़ा देता है और अब आए दिन जो है चूर्ण अपने मुँह में डालते रहते हो और अपने कब्ज की शिकायत को दूर करते रहते हो। तो ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो अपने जो है आहार श्रृंखला में आप रफेज को भी शामिल करो। रफेज कोई दूर की वस्तु नहीं है, कोई कहीं दूर से लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई मेडिसिन है। आप जो भोज्य पदार्थ खाते हो उसमें छिलके भी होते हैं, चाहे गेहूं लाते हो तो उनमें भी होते हैं, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। कहते हैं कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फलों और वनस्पतियों विद्यमान रेशेदार भागों को कहते हैं, ठीक है। तो रेशेदार भाग होती है ये यद्यपि जो होती रुक्षांश आहार नहीं है, फिर भी हमारे शरीर भोजन का जो है मुख्य भाग होता है। रुक्षांश मुख्यतः जो है सेलुलोज पाया जाता है। अगर रुक्षांश की बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अगर आप दिन प्रतिदिन सलाद खाते हो तो सलाद जो होता है कई मानने में रुक्षांशों का काम करता है, यानी सलाद जो होती है आपको पेट साफ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव में से माना जा सकता है। अगर देखा जाए प्रकार यानी जो है इसका सबसे पहला कार्य तो यही होती है कि मल त्यागने में सहायता प्रदान करता है। जो सुबह सुबह लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर रफेज खाते हो यानी जो है चुकचांस खाते हो तो आपका जो है मल मूत्र आसानी से आ जाएगी और आपको जो है कई तरह की बीमारी से भी आप बच जाओगे। कहते हैं ये पाचन क्षेत्र को साफ करता है और पाचन संबंधी रोगों से भी बचाता है। कहते हैं अगर देखा जाए कोई भी डॉक्टर से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, कहते हैं आधे से अधिक बीमारी जो होती है हमारे अग्नि पित्त को आगे बढ़ने से होती है। इसका अर्थ है कि आपका जो होता है मेनली बीमारी पेट से ही उधर से ही आपको ग्रसित करती है। जितना भी बीमारी उत्पन्न होती है सब पेट के ही विकार होते हैं, तो इस पेट को विकार को अगर सही करना है तो आपको रुक्षांश अपने भोजन में शामिल भी करना है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर प्रकार देखा जाए आगे तो कब्ज नहीं होने देती है। देखिए कब्ज जो होता है उसी को हम कहते हैं जो है बार बार बंदों को लेटरिन जाते हैं तो वो कब्ज की शिकायत ही होता है, या खुल के उनका पेट जो होता है साफ सुबह सुबह नहीं होता है तो वो इसका मतलब वो कब्ज के शिकायत में आ रखे हैं। ये शरीर में जलाशय जो जल धारण में भी सहायक करता है, शरीर में जल को बढ़ाने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है, क्योंकि ये जो होता है खाने के द्वारा पिया गया वाटर जो होती है उसको अधिक मात्रा में अब्सॉर्ब नहीं करती है क्योंकि ये रेशे के फॉर्म में होती है। यह रक्त शर्करा में जो है कोलेस्ट्रॉल अनक्ता स्तर को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों लोग जो आए दिन जो कहते हैं मुझे शुगर बढ़ गया है, आए दिन कहते हैं कि मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और शुगर कैसे बढ़ा? एक तो मीठे चीज़ खाने की वजह से हुआ और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा? आपके बाहरी जो ऑयली चीज़ खाते हो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल तो आपने बढ़ा लिया है लेकिन आपको जीवन भर जो है ये आपको सताता रहेगा, तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए, क्योंकि अगर आपने अपने खाने में रुक्षांश अगर नहीं किया संभली तो ये बीमारी आपको घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड शुगर की बीमारी जो होती है अगर एक बार किसी को हो जाए तो जीवन भर भी उसको पीछा लगी रहती है, क्योंकि आए दिन शुगर जो है बढ़ती और घटती रहती है और हमारे शरीर में शुगर जो है कम से कम 90 तक तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो शुगर का मेंटेन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो है आहार में रुक्षांश शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो आजकल तो आपको पता है कि धड़कन सभी के तेज होते हैं, आपके भी होते होंगे, धड़कन तेज हो जाता है सोते हो धड़कन तेज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होता है बाहरी खाना, जो आप बाहरी खाना खाते हो तो इसकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है कई मानने में हृदय रोग जो है हृदय जैसे विकारों को जन्म भी देती है, कई बार तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक भी देखने को मिला है। तो ये काफ़ी घातक बीमारी है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है रफेज, यानी जितना भी आप अपने भोजन में रुक्षांश चीज़ों को सम्मिलित करोगे ये आपको कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे देगा। तो ये बातें कई मायने में इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ के लिए भी ज़रूरी थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए पढ़ाई का मतलब होता है समझना और समझने का मतलब होता है उसको अमल करना, तो अमल करने में जो करोगे तभी अपना जीवन जो है स्वच्छमय बना के भी रख पाओगे। तो साथ में स्वच्छ तो बनाना है और साथ में जो त्रिपाण सेंटर को आगे भी बढ़ाना है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ आपके उंगलियों के बटन के टच में है और साथ में जो है आपको YouTube से जो है इसको कॉपी करना है और इसका जो है लिंक को WhatsApp स्टेटस पे लगा देना है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करिएगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने की मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।